और लब्बैक के नारे के साथ दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उनमें से जो बंदा मुसलमान है, अगर वो समझता है कि मैं मुसलमान होने के बाद नबी अकरम के लिए हाजिर हूँ, तो फिर हमने तो चले जाना। आप हाथ उठा के, आपको सरदारी नहीं पकड़वाता, बराबर नहीं पकड़वाता, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होते। अगर आप हुजूर अकरम का कलमा पढ़ने वाले हैं और हुजूर के लिए हाजिर हैं, तो फिर हाथ बुलान करके जाएंगे या रसूलल्लाह। जो भी दिन से सरकारी करता है, टकराता है, उसे दलील तो होना है ना। वो जर्नैल हो, सिंधियन हो, अवामी आदमी हो, जान का कोई अहदेदार हो, कुछ भी हो, दीन से तो टकराएगा, इंशाल्लाह वो पास पास हो जाएगा। तो वहां मुजाकरा टेबल पे बैठे हुए, जब बाई तरफ अमीर मोहतरम हाफिज साहब बैठे हुए थे, ये उम्र में क्योंकि छोटे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता। मैंने कहा साहब भाई, आप ये जो टांग ऊपर करके बैठे हुए ना, ऐसे ये नीचे करो, सामने जर्नैल सारे बैठे हुए हैं, आपने ये टांग ऊपर ऐसे रखी हुई है, घुटने के ऊपर अपना पाँव रखा हुआ है, तो ये नीचे कर लो, सामने जर्नैल बैठे हुए हैं। मुझे इन्होंने कहा कि सामने जर्नैल जो बैठे हैं, वो भी तो अपनी टांग पे चढ़ा के बैठे हुए हैं ना। अगर वो इस तरह बैठेंगे तो हम भी इसी तरह बैठे। और वक्त के यजीदों और फिरौनों को मानने वालों, और वक्त के फिरौन और यजीद बलादर और सरदारी भी नोट कर लें, ये निजाम इस्लाम आ रहा है, दीन का निजाम आ रहा है। मक्के में हुजूर के ऐलान नबूवत के बाद दीन का निजाम आकर आ ही गया था और मक्का फतह हो गया था। इसी तरह ये मुल्क पाकिस्तान तहरीक लद्दाख का होने वाला है, दीन का निजाम आने वाला है। हमने हुजूर के साथ और आपके दीन के साथ वफा करनी है, दीन को तख्त पर लाना है। इंशाल्लाह ये निजाम मुस्तफा तख्त पर आ रहा है, और एक बिलावल नहीं, एक दरदारी नहीं, एक शहबाज शरीफ नहीं, एक नवाज शरीफ नहीं, हजारों बिलावल भी हूँ, हजारों दरदारी भी हूँ, हजारों इमरान खान भी हूँ, तो ये दीन का तूफान उन्हें बहा कर ले जाएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी कायदीन के वीडियो बयानात और मज़ीद नई अपडेट हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके।